सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में आज कोहराम मच जाता। संसद हमले की 22वीं बरसी पर गुनाह की एक नई इबारत लिखी जा रही, लेकिन गनीमत था कि लोकसभा की विजिटर गैलरी से कूदने वाले संदिग्धों के पास स्प्रे बम था। अगर असली वाला बम होता तो जाने क्या हो जाता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस सांसद के पास पर इन आरोपियों के संसद परिसर और फिर लोकसभा की विजिटर गैलरी में एंट्री हुई, वो सांसद कौन थे, किन संबंधों के आधार पर पास मिला, एक सांसद की तरफ से पास जारी करने के नियम क्या है। मैसूर से बीजेपी के सांसद है प्रताप सिम्हा, आरोप लग रहा है कि लोकसभा में स्मोक बम लेकर दोनों युवक प्रताप सिम्हा के रिकमेंडेशन वाले विजिटर पास से ही संसद में दाखिल हुए थे। बसपा से निष्कासित सांसद दानिश अली ने भी ट्वीट करके प्रताप सिम्हा पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही दोनों घुसपैठियों में से एक के विजिटर पास का फोटो भी ट्वीट किया है, जिसमें प्रताप सिम्हा का नाम भी दिख रहा है। प्रताप सिम्हा कर्नाटक की मैसूर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। 2014 में प्रताप सिम्हा ने कांग्रेस के अटगुरु विश्वनाथ को करीब 28,000 वोट से हराया था। फिर 2019 में कांग्रेस के ही विजय शंकर को करीब 1,38,000 वोट से हराया। सांसद बनने से पहले प्रताप सिम्हा पत्रकार थे। 1999 से वो पत्रकारिता कर रहे थे। 2014 में ये पेशा छोड़ा, बीजेपी से टिकट मिला और पहले ही चुनाव में जीत कर संसद पहुंच गए। प्रताप सिम्हा 46 साल के हैं, हिंदुवादी नेता की छवि है और बीते कुछ समय में कुछ विवादों में भी रहे हैं। सांसद बनने के एक साल बाद ही यानी 2015 में प्रताप सिम्हा पहली बार सुर्खियों में आए, जब उन्होंने टीपू सुल्तान का जन्मोत्सव समारोह मनाने के लिए कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी। कहा था कि टीपू सुल्तान केवल इस्लामवादियों के लिए ही आदर्श हो सकता है और उसका जन्मदिन मनाकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में जिहादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सांसद जी के बारे में जान लिया, विजिटर गैलरी के लिए पास कैसे जारी होता है, नियम क्या है ये भी जान लीजिए। लोकसभा में कार्रवाई देखने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म CPIC लोकसभा के रिसेप्शन ऑफिस या लोकसभा के आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाता है। फॉर्म में आवेदक को नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय, लोकल और परमानेंट एड्रेस जैसी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा ये फॉर्म लोकसभा सांसद से वेरीफाइड होना चाहिए, यानी उस पर किसी भी लोकसभा सांसद के साइन और मुहर लगी होनी चाहिए। अब व्यवस्था क्या होती है ये जान लीजिए। लोकसभा में आम लोगों के लिए एक दर्शक दरगाह होती है। यहाँ ऊपर की तरफ आम लोगों को बैठाया जाता है, जहाँ से लोकसभा की पूरी कार्रवाई देखी जा सकती है। आपको लोकसभा में एंट्री के लिए पहले से पास दिया जाता है और इस पास में एक टाइम स्लॉट भी दिया जाता है। उस टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको संसद में एंट्री लेनी होती है और उसके आधार पर ही आप कार्रवाई देख सकते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।